यमुनानगर के कस्बा सढोरा में एक युवक की गाने सुनते समय एयरफोन में करंट आ जाने से मौत हो गई। हालांकि ये मौत बिजली के करंट से हुई, क्योंकि मोबाइल का चार्जर बिजली के प्लग से लगा हुआ था और अचानक लाइट आने से हादसा हो गया। यही नहीं, युवक की सांस चल रही थी, लेकिन अस्पतालों में कहीं तो उसे इलाज नहीं मिला तो कहीं एम्बुलेंस, लेकिन जब सब कुछ मिल गया तो ट्रामा सेंटर में डॉक्टर की मौजूदगी के बावजूद फोर्थ क्लास मरीज का ट्रीटमेंट करते नजर आया। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि मृतक की बीच रास्ते में ही मौत हो गई थी। वहीं असुविधाओं के कारण थार सिंह नामक युवक को सही समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। वहीं युवक की मौत से गुस्साए परिजन और ग्रामीण एक ओर तो मोबाइल कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ युवक को सही समय पर इलाज ना मिल पाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी दोषी करार कर रहे हैं। अगर मृतक युवक को सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। ये हादसा करंट की वजह से हुआ जी, ये मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहा था, उसी टाइम लीड कान में लगी थी और जैसे ही इसको स्विच ऑफ ऑन किया एकदम इसको करंट लगा। इसको हम सढोरा सी एस सी में ले गए, वहाँ मशीन ने ना होने की वजह से वो कहा भी हमारे पास सी एस सी वो मशीन भी नहीं आई और ई सी जी की, उनको काफ़ी वैसे प्रयास किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, उस टाइम इसमें कोई सांस था। और यहाँ पहुँचे और जब हम यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर के पास लेके गए, वो कहा देखते हैं अभी अंदर अंदर हमने कोई डॉक्टर तो जैसे नहीं फोर्थ क्लास बड़े थे, वो कह रहे हम देखते हैं इसका तो शायद डेथ हो चुकी है, फोर्थ क्लास का जाते नहीं देखा तो और डॉक्टर नहीं देख रहा तो डॉक्टर के पार्ट से नेग्लिजेंस है और उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेंगे। जिस बंदे की डेथ हुई है या जो बंदा ऑन डेथ बेड है अगर उसको डॉक्टर नहीं देख रहा तो वो डॉक्टर के पार्ट से नेग्लिजेंस है, डॉक्टर नेग्लिजेंट है और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो आपने जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी है इस टाइम पे या जिस टाइम पे आपने ये आपने वीडियो दिखाया मेरे को, उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी।